नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। आज के इस वीडियो में हम आपको टेरी गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड का एक जिला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, यहां पूरे साल टूरिस्ट आते रहते हैं। यहाँ की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यहाँ आपको हिमालय पर्वत के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में यहाँ घूमने की जगह के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही आप टेढ़ी घूमने कैसे आ सकते हैं, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका टेढ़ी घूमने के लिए, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उत्तराखंड में एकमात्र नियोजित शहर होने के कारण न्यू टेढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में से एक है। टेढ़ी गढ़वाल उत्तराखंड के जिले का नाम दो अलग अलग नाम को मिलाकर यानी टेढ़ी और गढ़वाल बनाया गया है। शहर टेढ़ी गढ़वाल जिले का मुख्यालय भी है और इस प्रकार राज्य के लिए अधिक महत्व का लगता है। यहाँ पर कई प्रमुख एवं खूबसूरत घूमने लायक पर्यटन एवं धार्मिक स्थल मौजूद हैं। पर्यटकों के लिए डैम के अलावा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, जैसे जेट स्कीइंग। कुछ हिंदू मंदिर भी यहाँ मौजूद हैं और आध्यात्मिक के लिहाज से भी एक अच्छी जगह है। पुरानी टेढ़ी शहर भी शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, हालांकि पूरी तरह से पानी में डूब गई है। अगर आप भी टेढ़ी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमारी यही आता है कि उस जगह जाएं तो कैसे जाएं या कहां पर स्टे करें। तो बताना चाहूंगी दोस्तों कि आप कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो आपको टेढ़ी आने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश या मसूरी आना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे नजदीकी प्लेसेस हैं जहां से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी। ऋषिकेश से टेढ़ी का जो डिस्टेंस है वो है 75 किलोमीटर अप्रॉक्स और मसूरी से टेढ़ी का जो डिस्टेंस है वो है 72 किलोमीटर अप्रॉक्स। लेकिन अगर आप मसूरी की तरफ से आते हैं तो हो सकता है कि अगर आप बस से या टैक्सी से आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको चंबा में चेंज करना पड़े और चंबा से फिर न्यू टेढ़ी आप पहुंचे। टेढ़ी गढ़वाल शहर के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं चलती हैं, लेकिन टेढ़ी गढ़वाल के लिए कोई सीधी फ्लाइट या ट्रेन नहीं है। टेढ़ी के लिए नियर बाय अगर एयरपोर्ट है तो देहरादून में है, जिसका नाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि 86 किलोमीटर की दूरी पर है। और दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक नियमित रूप से कनेक्टिंग फ्लाइट्स उपलब्ध है। यहां से नई टेढ़ी और पड़ोसी क्षेत्रों के लिए कैब और टैक्सी आसानी से भी उपलब्ध है। न्यू टेढ़ी के लिए नियर बाय रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जो कि 72 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़कों द्वारा भी न्यू टेढ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अधिकांश ट्रेन्स के लिए कनेक्टिंग शहर दिल्ली है। अब सवाल ये उठता है कि स्टे कहाँ किया जाए। पूरे दिन की यात्रा करने के बाद टेढ़ी में स्टे करने के लिए आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक सभी प्रकार के होटल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सस्ती जगहों की तलाश में हैं तो शहर में सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं।
अगर आप टेरी लेक के पास स्टे करना चाहते हैं, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के इको हर्ट्स में स्टे कर सकते हैं, जिसका टैरिफ 4,000 से 6,000 तक जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है ली रियो होटल, जिसका टैरिफ 5,000 से 6,000 तक का रहता है। टेहरी के पास एक जगह है जिसका नाम है चंबा, तो आप चाहें तो वहां पर भी आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे और आप वहां पर भी स्टे कर सकते हैं। टेहरी में घूमने के लिए टेहरी डैम, जो विभिन्न पर्यटनों के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में भी कार्य करता है, जो प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुरमई हरी पहाड़ियों के बीच टेहरी लेक कई लोगों के लिए एक आदर्श जगह है, जिसमें एडवेंचर वाटर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जेट स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, बनाना राइड और स्पीड बोट राइड ETC। डोबरा चंटी ब्रिज, जो इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। कुंजापुरी टेम्पल, जो एक सिद्ध पीठ मंदिर है। साथ ही दोस्तों, टेहरी अगर आप आते हैं तो आसपास के टूरिस्ट प्लेस जरूर घूमें, जैसे चंबा, खेत पर्वत, धनौल्टी, कनातल, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, ये सब भी आप कवर कर सकते हैं। उत्तराखंड में स्थित टेहरी गढ़वाल में घूमने की जगहों के बारे में बताया गया इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। साथ ही अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और यूं ही ट्रैवल करते रहिए कैप्चर अनसीन मोमेंट्स के साथ।